के सारे बातों को, कसमों को और वादों को, सबको भुला के यादों में वो डूब जाता है। दिल ही कुछ ऐसा है। ए अपा जान, इधर आओ इधर। हाँ नवीन बोल, क्या बोल रही? एक बात बताओ आपा, आप मुझे पहचानती क्या? नहीं बहन, नहीं पहचानती मैं तेको। तो तुमने मुझे सलाम कैसे किया? आवा बहन, सलाम तो अल्लाह का कलाम है, किसको भी कर सकते। मैंने कहा जरा सा तेको सलाम कर दी, तूने इतनी दूर से बुला ली मेरे को, क्या क्या कह रही? तो फिर ये आदमी वाले जूते क्यों पहने तुमने? और तुम्हारी चाल भी मर्दाने वाली है, सही सही बताना, कौन हो आपा तुम? वो ना मैं, मैं ना ओ मैं क्या? ए पहलवान भागना मत। आइला, ये क्या सॉन्ग है? बुर्का पहन के क्यों घूम रहा? तो तेरी वजह से पहन के फिर रहा बुर्का। मेरी वजह से? ओह नो, क्यों? मैंने बोला तुझे बुर्का पहनने को? ओह नो, तो फिर क्या बात है? अरे वो मोटू है ना मेरा दोस्त, उसने मेरे को बताया कि बोले वो गुंडी बहुत गुस्से में है, तेरे को ढूंढ रही बोले वो। ये तेरे से बचने के वास्ते मेरे को बुर्का पहनना पड़ा। आइला, मेरे से बचने के लिए तू बुर्का पहन के घूम रहा है? तू तो बहुत बड़ा पागल है रे। हाँ, तू तो बहुत समझदार है। हाँ, समझदार ही अक्सर गलतियाँ करते हैं। कभी देखा है किसी पागल को मोहब्बत करते हुए? हाँ, तूने सही बोली, कोई पागल मोहब्बत नहीं करता, लेकिन ये भी सच है कि इंसान मोहब्बत करके पागल हो जाता। सुन, मेरे को पागल होने का नहीं है, मैं चला। अरे नीलो तू आ गई? Oh no! अरे मेरी जान गुंडी, आज तो तू बहुत खुश लग रही है, क्या हुआ? उन्होंने गुफ्तगू की हमसे, हाय, दिल की धड़कनों ने उधम मचा रखा है। इसका मतलब पहलवान से तेरी फाइनल बात हो गई? जल्दी बता, जल्दी बता, कहाँ मिला था वो और कौन से गार्डन में बैठे थे तू? और क्या क्या बातें हैं तुम दोनों के बीच में? आइला, अरे नीलो जरा ब्रेक लगा, अरे ब्रेक लगा। कोई गार्डन में नहीं बैठे थे, गली के नुक्कड़ पे खड़े रह के बात हुई हमारी। ऐसा मुझे लगा। अरे सबसे मजे की बात, मुझसे डर के बुर्का पहन के घूम रहा था। क्या बुर्का? अरे हाँ बुर्का। पता नहीं यार कि उसको देख के मुझे ना उस पर बहुत प्यार आता, उसकी ना मुझे हर हरकत अच्छी लगती है। वैसे गुंडी तू तो उसे सबक सिखाने गई थी ना? उन्हें क्या सबक सिखाते, जिन्हें देख के हम खुद प्रेम की किताब पढ़ने लगे। अरे पलवार, तू बुर्के में बहुत अच्छा दिख रहा, तुमको ना गुंडी पहचान भी नहीं पाएगी। अरे बा मोटू, पहचान ली उसने मेरे को, बहुत शानी है वो। इसका मतलब गुंडी ने तेरी अच्छे से चमपी की होंगी ना? बोल सही हो रहा रे, बोल, बोल। अरे नहीं रे, मारी गिरी नहीं उसने मेरे को, वो तो मेरे से हंस हंस के बात कर रही थी। पर पहलवान एक बात समझ में नहीं आ रही यार। कौन सी बात रे मोटू? वो तो बहुत गुस्से में तेरे को ढूंढ रही थी, अब तो बोल रहा कि तेरे से वो हंस हंस के बातें कर रही थी। पहलवान एक बात तो तू मान ले कि वो तुझसे प्यार करती है। अबे मोटू, पहलवान इतना भी एड़ा नहीं है, कोई मुझे प्यार करे और मैं उसको पहचान ना सकूं। हाँ, इसका मतलब तेरे को मालूम है कि वो तुझसे प्यार करती है? हाँ मुझे पता है कि वो मेरे से बहुत प्यार करती है। फिर तू उससे इतना दूर क्यों भाग रहा है? अबे मोटू, उसको देख कितने बड़े घर की लड़की है वो, अपन का फुटपाथ पे रहने वाले लोग है, तू बता जोड़ी जमी क्या हमारी दोनों की? पर एक बात है मोटू, मैंने ना उसका बहुत दिल दुखाया, जब भी मौका मिलेगा ना तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। हाँ कभी क्यों, अभी क्यों नहीं? अबे कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर, चल। सही बोला मोटू तूने, पकड़ ये। चल ये हुई ना बात।
क्या कर मोदी, गुंडी तो कहीं देख नहीं रही यार। अबे जाना उस घर की बेल बजाना, जैसे कि तू इस घर का होने वाला दामाद है। मेरे को मार खिलाने के काम कर रहा क्या? तो माँ बाप होंगे ना घर में। अबे मेरे को जब भी मौका मिलेगा ना उससे माफी मांग लूंगा आके मैं। चल चल तो यहाँ से, कुछ भी उल्टे सीधे आइडिया देते रहता। बात है पहलवान, आज तो सवेरे सवेरे दर्शन हो गए और कसम से दिल ही दिल में तेरे बारे में सोच रही थी और तू सामने आ गया। बोल किधर निकले तुम सुबह सुबह? हाँ मैं तेरे से ही मिलने आया था गुंडी। हाँ मुझसे मिलने आया? ए नहीं लो चिमटी ले, कोई मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं नहीं मैं सपना नहीं देख रही। ऐसा तो मुलाकातें शुरू हो गई है। तू सच में मुझे मिलने आया? और ये पहलवान, उसको देख के भाग जाया करता था, आज बैल बन के उसके सामने खड़ा है। गुंडी हिला रहा। ए, ए गुंडी, प्लीज प्लीज तू ज्यादा खुश मत हो बा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू गलत सोच रही, मैं तो तेरे से माफी मांगने आया था। माफी? पर किस बात की माफी? तू तो ये माफी मांगी है ना मेरे से, तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। एक बात बता, तूने सोच लिया है क्या मुझसे दूर रहने का और मुझे परेशान करने का? अरे गुंडी ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, पहलवान इसलिए डरता है कि तू पैसे वाली है और वो गरीब है। तेरे की? अरे कौन से जमाने में जी रहे तो? जमाने में मेरी गरीबी की बातें कर रहे थे। अरे पहलवान मेरी सहेली गुंडी है ना इन बातों को नहीं मानती और तू बहुत खुश नसीब है। मजबूरी बता दे रही, अभी क्या भी सॉल्व कर देती। नहीं गुंडी प्लीज तू बुरा मत मानना, इस बारे में मुझे सोचने का मौका दे, मैं तुझे सोच के बताता हूँ। अच्छा ठीक है सोच ले फिर बताना। ठीक है चल मां। क्या गुंडी क्यों जाने दिया उसे, आज तो फाइनली बात कर ही लेती हूँ। अरे नहीं तो हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी होगी। ये गुंडी हमेशा ऐसे ही करती है, हर वक्त लेट आती है। Oh, shit! Oh, shit! अब आएगी। कब से तेरा इंतजार कर रही मैं, और तेरी है ना इंतजार कराने की आदत जाएगी नहीं। अरे मिलो मेरी जान, जो इंतजार करने में मजा है ना वो मैं तुझे बता ही नहीं सकती। वो सब छोड़, तूने मुझे फोन करके इतना अर्जेंट क्यों बुलाया इधर? अरे आज संक्रांत है ना। अच्छा आज संक्रांत है? मैडम मेरे को मालूम है आज संक्रांत है, ये बात मुझे फोन पे भी बोल सकती थी ना, यहाँ बुलाना जरूरी थे क्या? ये देख तिलगुल के लड्डू, ये मैंने मेरे हाथों से बनाए, ये लड्डू मेरे हाथों से पहलवान को प्यार से खिलाऊंगी और हमारे दोनों में प्यार बढ़ेगा। अच्छा ओ पहलवान तुझे इस सहेली से ज्यादा बढ़कर हो गया। देख नीलो तू मेरी दोस्त है और वो मेरा प्यार है, और प्यार तो प्यार होता है ना। हाँ आई बड़ी प्यार वाली। चल हाँ हाँ चल। ओह नो। अरे रघु तू? हाँ मैं, तिल गुड़ खिलाओ और मीठा मीठा बोलो। ए, तुझे काय को खिलाएंगे तिलगुल? हाँ आज संक्रांत है ना। अच्छा देखो तिलगुल खाना है, ये ले पकड़। देख क्या रहा है, 5 रुपए की तिल और 5 रुपए का गुड़ लेके खा लेना और मुंह मीठा कर लेना और मीठा मीठा बोलना। बाय। ये बहुत गलत करी गुंडी तूने, पहलवान के लिए लड्डू और ये रघु के लिए ये 10 रुपये। अपुने ना MP घूमने जाएंगे। ओह नो। अरे बाप रे पहलवान, गुंडी और उसकी सहेली आ रही, बाप पहलवान मत। अरे रुको रे रुको। अबे एड़े अब तुमको भागने की कोई जरूरत नहीं है, अरे ना गुंडी किसी को नहीं मारेंगे आज के बाद। तो पहलवान ऐसे भी कोई लड़की से डरता क्या? ये पहलवान तिलगुल का लड्डू खा और मीठा मीठा बोल। अरे गुंडी
ये तिल गुड़ का लड्डू खाने से क्या आदमी मीठा मीठा बोलता क्या? अरे एडी, ये लड्डू खाने से तो सिर्फ मुंह मीठा होता। अच्छा तो तू बोल। oh, no! क्या खाने से आदमी का मुंह मीठा होता है? करेले से? अयो, नहीं जी, करेला खाने से तो आदमी कड़ू बोलता जी, दही जमा के। हाँ, तेरे दोस्त को समझा। करेले से कड़वा ही बोलेगा ना आदमी, और मीठा खाने से मीठा बोलेगा। अरे गुंडी जी, वो पलवान को छोड़ो, लड्डू ना हमको खिलाओ, हम देखो कैसे मिट्टे मिट्टे बोलते। बुक्कल कही के खिला दो इसको सब लड्डू। ए पहलवान, तुझे पता भी है गुंडी ने अपने हाथ से लड्डू बनाए, वो भी तेरे लिए, और तू लड्डू के मजाक कर रहा है? ए नहीं लो, छोड़ दे, इसको बताने से क्या फायदा, ये कौन सी बात समझता ही नहीं। गुंडी, ए गुंडी, गुंडी तेरे ये लड्डू मैं एक ही शर्त पे खाऊंगा। बोल। देखो मेरे साथ एक शर्त लगाना पड़ेगी। क्या आइला? बोल कौन सी शर्त? देखो ना, मेरे साथ पतंग की शर्त लगाना पड़ेगी, और तू मेरी पतंग काट के बता। अगर मैंने तेरी पतंग काट के दिखाई तो? तो क्या, मैं तेरे हाथ के बने हुए ये लड्डू खा लूंगा और मीठा मीठा बोलूंगा। और हाँ, शर्त अगर मैं जीत गया तो तू बोल, आज के बाद तू मेरा पीछा नहीं करेंगी, और सुन, आज के बाद तू मुझे सताएंगे भी नहीं। चाइला, ओके ठीक है, चल आजा मैदान में पतंग लेके, मिलते हैं वहां पे। ठीक है, चलो रे मंडली, चलो रे जल्दी जल्दी चलो रे। अरे चल रे, तू तो अलग है। अरे रुक पहलवान, पैर दुख रे। ओए मां, रुक ना। क्या रे पहलवान, गुंडी अच्छा प्यार से लड्डू खिलाने आई थी तो खा लेना था ना गुपचुप। ऐसा तो फिर, अरे तेरे साथ हमको भी लड्डू खाने को मिल जाते थे। ये पहलवान, ये मोटू सही बोला जी, वो गुंडी इतनी प्यार से लड्डू खिला रही थी, तुमने खा लेना था जी, शरत लगाने की क्या जरूरत है? अगर तू शरत हार गया तो हमारी तो इज्जत चली जाएगी ना। अरे मुंह बंद करो दुआड़ो, और तुम्हारी काहे की इज्जत रे, लड़के के हाथ की मार खाने वालों। अयो पहलवान, चुप करो जी, वो छोकरी के हाथ का मार भी हम तुम्हारे लिए खाया था जी। सही कहा अन्ना तूने, हाँ जो गुंडी के हाथ से जो मार खाया ना, वो भी तेरी वजह से खाया था मैंने। चुप करो रे, मेरे हाथ से काय को मार खाए रहे तुमने? अरे वो लड़के के सामने जाके तुम चोरे चाले करेंगे, वो तो मारेंगे ना तुमको, क्या तुम्हारी पूजा करेंगे? पहलवान पहचाना क्या अपन को? हाँ पहचाना ना, गुंडी का चम्मच है ना तू। गलत, चम्मच तो अपन किसी का नहीं। ऐसा? जिस दिन तेरे को अपनी असलियत का पता चलेगा ना, उस दिन तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। रघु नाम है अपन का, रघु। ए कुछ भी नाम हो तेरा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चल निकल इधर से। ठीक है अभी जा रहा है अपन, मिलते हैं फिर फुर्सत में। देख देख, बरकी कितने ऊपर गई ना, बहुत लग रहा है ना। कह रहे नीलो, तुम पहलवान और ये लोग अभी तक आए ना? अरे वो क्यों आएगा, वो लड्डू खाने से डर रहा होगा ना। गुंडी, आप देखता तू पहलवान से कैसे पेच लड़ाती। देख कैसी काटता मैं तेरी पतंग। पहलवान से पेच लड़ा रही, नैन मटक्का कर रही। गुंडी, ओह नो, तेरी एक भी पतंग हवा में उड़ने नहीं दूंगा। ए नीलो, ये देख ये पतंग किसकी है? अरे गुंडी, मुझे ऐसा लगता है ये पहलवान की पतंग होगी, कोई चुपके से उड़ा रहा है वो। अच्छा आजा आजा मैदान में, आज तो गुंडी की पतंग काट के रहूंगा। अच्छा मेरे से पेच लड़ा रही, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। उड़ाने दे, मैं भी देख अभी कैसे काटती। हाँ काट काट। ए, 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 ये देख 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 देख, देख, देख। oh, गुंडी गई तेरी पतंग। oh, no! गुंडी तूने आज तो बहुत बड़ी चोट दी, रघु की पतंग काट दी।
हम कैसी की हार गए हो? तेरी पतंग जो मैंने काटी। रेडी पहलवान ने तो अभी पतंग उड़ाया नहीं, तूने काटी कैसी क्या? अभी तक उड़ाई नहीं? नहीं? जा उड़ा ले। ले पहलवान। ए मोटू जय पतंग उड़ा के चल। जा पहलवान मैंने जाता। अरे मोटे डांगर वो तिल के लड्डू खाने का है कि नहीं देखू? हाँ खाने के ना। तो फिर जाना उड़ाना जमा तू वहां जाओ झाड़ के पास जा जा उधर जा जमा। हाँ पहलवान उड़ाओ क्या? हाँ मोटू उड़ा उड़ा जल्दी उड़ा उड़ा। हाँ ये 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 अरे बे मोडू अबे उड़ और जल्दी उड़ा दे। अबे तेरे को पहले बोला था ना पहलवान मैंने उड़ा था। अरे हाँ हाँ तूने बोला था लेकिन उड़ जल्दी उड़ा दो। अबे यार अन्ना ये तो सिर्फ खाने का घोर है। ये यो हम पहले बोला था जी मत लो उसको कोई काम का नहीं है सिर्फ खाने का घोर है जी। दुश्मन की हंसी कर दे रहा। हाँ पहलवान हाँ देख हाँ उड़ा उड़ा हाँ उड़ाओ ना उड़ा। हाँ ये ले। ये पहलवान की पतंग उड़ रही है मामूली आदमी की पतंग नहीं है। क्या बोलता ना एक नंबर जी पहलवान से पंगा ले रही हो। पहलवान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखना नहीं लो पहलवान कितना खुश है ना। मेरा दिल नहीं कर रहा यार उसकी पतंग काट के उसको हरा दूँ। अगर तूने उसे हराया नहीं ना तो वो तुझे हरा देगा और हमेशा के लिए तुझसे दूर हो जाएगा वो। अपने काम पे ध्यान दो अपुन। तू चाहती है क्या वो हमेशा के लिए तुझसे दूर हो जाए? नहीं मैं तो चाहती वो हमेशा मेरे साथ में रहे। गुंडी फिर काट दे उसकी पतंग। हाँ देखा काटती उसकी पतंग। पहलवान की पतंग है कोई मामूली आदमी की पतंग नहीं है। ए पहलवान अब देख तेरी पतंग का टोड़ने का टाइम आ गया। पहलवान हमेशा रेडी रहता चल आजा लड़ा ले। ए लीलू डिल्जो डिल दिल देना दिल दे दिल दे पहलवान दिल दे दिल दे। अरे मेरे बाप रे पहलवान की पतंग पहलवान पहलवान खुश होने की जरूरत नहीं है। पहलवान की पतंग कटी वटी नहीं वो तो हाथ से धागा टूट के चले गया। ए पहलवान वो सब मुझे कुछ मालूम नहीं। पतंग गई तू हार गया गुंडी जीत गई। अब तुझे लड्डू खाने पड़ेंगे। तिलगुळ खा आणि गोळ गोळ बोला तिलगुळ खा आणि गोळ गोळ बोला तिलगुळ खा आणि गोळ गोळ बोला। ए पहलवान ओय मां तेको मैंने तिलगुळ का लड्डू दिया जहर नहीं दिया तू टेढ़े मेढ़े मुंह करके खा रहा है। ये ले ठीक से खा। मैं दोपहर में खा के आया था मैंने बस इतना बस। तिलगुळ खा आणि मीठा मीठा बोला गोळ गोळ बोला। ये गंडी जी हमने क्या कर रहा जी हमको भी तो ना। ओह नो ये
तेलगुल का अनमिटा मिट्टा बोला, तेलगुल का अनमिटा मिट्टा बोला। तो खाने को मिल गया उतने ही मिठा बोलेगा। गुंडी जी ये लड्डू का डब्बा मेरे को दे दो, मैं सारे लड्डू खा जाऊंगा। क्या रे पहलवान, तेरा सच्चा प्यार तेरे सामने खड़ा है वो तुझे दिख नहीं रहा, और ऐसे झूठे मक्कार दोस्त लेके घूम रहे। मैं कुछ समझा नहीं। तेरे पतंग का धागा कुछ टूटा नहीं था, वो धागा ये मोटू ने तोड़ा था ये लड्डू के लालच में। अरे मोटिया, अबे साले तूने दोस्त को धोखा दिया सिर्फ ये लड्डू के वास्ते। दोस्त को हरा दिया, पहलवान को हरा तूने। मारा दिए अब पहलवान, मारो मारो मार पहलवान, ऐसे ही चाहिए। मारो मारो मार और मार। सुरु पहलवान को धोखा देगा तू? अरे बाप मार, अरे बाप रे। गुंडी तू भी उसे मार रही है, उसने तो तेरी मदद की है ना, तुझे तो जिताया ना उसने। अरे नीलो मैं जीत कर भी हार गई रे। नो अरे बाप, अरे 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 बस करो, जितनी उसकी गलती थी उतना उसे मार खा लिया, बस करो अभी। ए, तीगुड़ खा।